नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,617 नए मामले आए सामने, 853 मरीजों की हुई मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,80,026 सैंपल जांचे गए, आईसीएमआर ने दी जानकारी। मराठा आरक्षण पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। राउत के साथी पर पटोले का आरोप, कांग्रेस में घमासान, सीएम ठाकरे को लिखा पत्र। आरपीएफ ने की कार्रवाई, 33,42,000 की पगड़ी सीक्रेट। लगातार चौथे दिन बन रहा लसीकरण, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने दी जानकारी। एमआईडीसी में युवक की हत्या, 4 हमलावरों ने एक युवक पर चाकू से किया हमला। डॉक्टरों पर महापौर ने जताया विश्वास, डॉक्टर डे के अवसर पर किया गया डॉक्टरों का सम्मान। किटिकदान पुलिस थाना क्षेत्र में किशोर का किया गया अपहरण, 3 घंटे के भीतर पकड़ा गया आरोपी। गुरुवार को शहर में सामने आए कोरोना के 34 नए मामले, 107 मरीज हुए कोरोना से रिकवर। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।